आज जागतिक आरोग्य दिन। या वर्षाच्या आरोग्य दिनाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे उच्च रक्तदाब। आरोग्यविषयक अनेक गंभीर समस्यांना कारणीभूत ठरणाऱ्या या हायपरटेन्शन आजाराबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। आजकाल गतिमान झालेल्या जीवनशैलीमुळे आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या विविध प्रकारच्या ताणतणावांमुळे उच्च रक्तदाब म्हणजेच हायपरटेन्शन या आजाराची वयोमर्यादा आता 30 आत आली आहे। मोठ्या संख्येने तरुण वर्ग या आजाराला बळी पडत असतानाच त्याला फारसं गांभीर्याने न घेता त्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केलं जात असल्याचं दिसून येत आहे। मात्र शरीरावर कोणतेही बाह्य परिणाम दिसत नसले तरी शरीराच्या अंतर्गत कार्यरत रक्ताभिसरण व्यवस्थेवर उच्च रक्तदाबामुळे अनिष्ट परिणाम होत असतो, त्यामुळे तो बऱ्याचदा जीवघेणाही ठरतो। म्हणूनच या आजाराबाबत आज राज्यभरात विविध कार्यक्रमांद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे। संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्रीय महासंघ आणि राज्य शाखेंसह कोहिनूर रुग्णालयाच्या वतीनं आज मुंबईत जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त एका विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। हाई ब्लड प्रेशर सभी को प्रिवेंट करना है, ये हम कैसे कर सकते हैं? एक के रेगुलर हम ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं जिससे कि पता चले कि बीपी नॉर्मल है या हाई है, और अगर हाई है तो हमें उसको ट्रीट करना है। चेकिंग के अलावा हमें ये देखना है कि हम रोज़ की ज़िंदगी में नमक कैसे कम किया जाए। रोज़ की ज़िंदगी में हमें नमक कम करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो स्ट्रेस लेवल होता है जो कि आजकल बिल्कुल आम हो गया है हर एक आदमी के अंदर, तो हमें उसको कम करके ही हम एक अच्छा और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। ठाणे आणि परभणी इथे